हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। तो अगर हम बात करें कि बेसिकली अगर हम बात करें कि सेमीकंडक्टर से आपको कितनी चीजें पता होनी चाहिए, तो उन सब का डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छूटेगा और कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं छूटेगा जो कि सेमीकंडक्टर से रिलेट करता हो, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा एडवांटेज मिलेगा। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर बेसिकली एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर। यानी जो कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, ये क्या करेगी, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर जो हमारा होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर उनके बीच में होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होती है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है। यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसा है जो ना कि पूर्ण रूप से कंडक्टर होता है और ना ही पूर्ण रूप से इंसुलेटर होता है। वो क्या होता है, बीच में लाई करता है। वो उसको आप कंडक्टर भी बना सकते हो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी देकर, कुछ चेंजेस करके, और वो इंसुलेटर की तरह भी वर्क कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर बेसिकली हमारा दो तरह का होता है। दो तरह में हमारे पास एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक हमारे पास होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अगर बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, या फिर इसको नेचुरल सेमीकंडक्टर भी आप बोल सकते हो, क्लियर है, ये पॉइंट याद रखना। और उसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपका है तो इसको आप क्या कहते हो, इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कह सकते हो, या फिर इसको आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर का नाम भी आप दे सकते हो। तो क्लियर है कि सेमीकंडक्टर आपका कितने तरह का हो गया, दो तरह का हो गया। दो तरह में जो इंट्रिंसिक होगा वो प्योर होगा, यानी जो भी सेमीकंडक्टर इसमें यूज करेंगे इसमें कोई भी मतलब कि इम्प्योरिटी नहीं होगी, कोई भी इसमें डोपिंग नहीं की जाएगी, कुछ भी इसमें मिलाया नहीं जाएगा, वो एकदम प्योर होगा, ठीक है। लेकिन एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि इसको आर्टिफिशियली हम बनाएंगे, ये नेचुरल नहीं होता है, इसको हम बनाएंगे। लेकिन इंट्रिंसिक जो होता है वो कैसा होता है, वो नेचुरल सेमीकंडक्टर होता है, जैसा कि मैंने इस पॉइंट में लिख दिया है। अगर बात करें कंडक्टिविटी के हिसाब से, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिएगा कि कंडक्टिविटी जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की होती है, कंडक्टिविटी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वो ग्रेटर होती है कंडक्टिविटी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की है। तो यहां से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है या फिर जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, जो कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, या फिर आप कह सकते हो कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। जैसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर आपको बनाना हुआ, तो अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, और इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे, प्लस इसमें हम कर देंगे डोपिंग। अभी डोपिंग का क्या मतलब है, डोपिंग जो होता है किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। डोपिंग का मतलब कि किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ न कुछ मिला दिया जाए, उसमें कुछ न कुछ अशुद्धि मिला दिया जाए, जिससे कि वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का रूप धारण कर ले, और जिससे उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसलिए मैंने पहले ही कहा, ये पॉइंट नोट करने का, कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम करते क्या है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें हम क्या कर देते हैं, डोपिंग। और डोपिंग का काम क्या है, डोपिंग का काम है इंक्रीज द कंडक्टिविटी। डोपिंग का काम क्या है, इंक्रीज द कंडक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगर बात करें तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने डिवाइड किया है, डिवाइड किया हमने दो पार्ट में, देखिए एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप, क्लियर है, एक है पी टाइप और एक है एन टाइप। तो पी टाइप इसको हम पॉजिटिव टाइप भी कहते हैं, और जो एन टाइप है इसको निगेटिव टाइप भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा कि पी टाइप को हम पॉजिटिव टाइप कहते हैं और एन को हम निगेटिव टाइप कहते हैं। अगर आपको पी टाइप मटेरियल बनाना हुआ, पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर आपको बनाना हुआ तो आप बनाओगे कैसे, तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होना चाहिए, प्लस इम्प्योरिटी मिलाएंगे आप। क्या मिलाएंगे, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब क्या है कि डोपिंग करना। डोपिंग का मतलब क्या है, किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप क्या मिलाते हो, मतलब कि इम्प्योरिटी कर देते हो, यानी उसकी डोपिंग कर देते हो, ठीक है।
तो जो पी टाइप मटेरियल मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसको बनाने के लिए एक तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होना चाहिए। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के बाद हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे। अब ये इम्प्योरिटी कैसी होगी? ये होगी ट्राइवेलेंट। कैसी होगी? ट्राइवेलेंट, जो कि बेसिकली प्रेजेंट कहां पर होती है? ये प्रेजेंट होती है ग्रुप थर्ड में। जो मेंडलिव की आवर्त सारणी है वो कौन से पॉइंट मतलब किस ग्रुप में आपको मिलता है ये वाला मटेरियल? ये मटेरियल आपको मिलेगा ग्रुप थर्ड में मिलेगा, ठीक है। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले आप इतनी चीज जानते रहो। उसके बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम निगेटिव टाइप कहते हैं, और इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक इंटेंसिक सेमीकंडक्टर होगा प्लस इम्प्योरिटी होगी, और जो इम्प्योरिटी होगी वो कैसी होगी? वो पेंटावेलेंट होगी, और जो कि कौन से ग्रुप में पाई जाएगी? फिफ्थ ग्रुप में पाई जाएगी। कौन से ग्रुप में पाई जाएगी? फिफ्थ ग्रुप में पाई जाती है मेंडलिव की और साड़ी में। अगर आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का नॉलेज है तो ठीक है, ठीक है। बस इतनी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर है उसको बनाने के लिए आप लोग क्या करते हो। जब पी टाइप होगा तो इम्प्योरिटी जो होगी वो कैसी होगी? ट्राइवेलेंट होगी, और ये कौन से ग्रुप में पाई जाएगी? ग्रुप थर्ड में पाई जाएगी। और एन टाइप अगर आप बना रहे हो तो इंटेंसिक सेमीकंडक्टर तो होगा प्लस उसमें डोपिंग करेंगे, और डोपिंग किसकी करेंगे? पेंटावेलेंट की, यानी कि जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी जिसके बैलेंसी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 5 होंगे। और ये बेसिकली मटेरियल किस ग्रुप में पाए जाएंगे? तो मेंडलिव की और साड़ी में फिफ्थ ग्रुप में पाए जाएंगे। क्लियर है? तो थोड़ी सी हम डिस्कशन इस पे कर लेते हैं कि ग्रुप थर्ड में ग्रुप फोर्थ में कौन कौन से हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर, जैसे देखिए एक ग्रुप थर्ड है, एक ग्रुप थर्ड आपका है, एक ग्रुप फोर है, एक ग्रुप फाइव है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अब ध्यान से समझिएगा, ग्रुप थर्ड में हमारे कौन कौन से आ गए? बोरॉन आ गया, एल्युमिनियम आ गया, गैलियम आ गया, इंडियम आ गया, थैलियम आ गया। सबका ये जो मतलब कि एटॉमिक नंबर है सबका लिखा हुआ है, और उनका जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे ना तो सब में आप देखोगे कि जो ग्रुप थर्ड है उसके सबके मतलब कि जो भी बाहरी कोष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 3 आएगी सबके सब में। यहाँ पे भी जो इंडियम है इसमें भी करेंगे तो 3 ही आएगा, और 81 जो थैलियम का है इसका भी करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो ग्रुप थर्ड में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए कि हमारे पास ग्रुप थर्ड में जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं? बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम और थैलियम है। और बात करें अगर ग्रुप फोर की, तो ग्रुप फोर में हमारे पास कौन कौन? कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, मतलब SN होता है, और PB होता है, ठीक है। ये हमारे पास 5 मतलब कि एलिमेंट है जो कि ग्रुप फोर में होते हैं और जिसको हम यूज करते हैं एज ए सेमी कंडक्टर। अभी हम इसके बारे में आ रहे हैं। उसके बाद ग्रुप फाइव में हमारे पास कौन कौन सा है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, SB है, और बिस्मत है। तो अब देखिए ग्रुप फोर में जितने भी एलिमेंट है ना सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबके आउटर कोष में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने होंगे? इसमें 4-4 आएंगे जो ग्रुप फोर में। और ग्रुप फाइव में जिसके भी आउटर कोष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 5-5 आएगी, सब में क्या आएगी? 5-5 आएगी। इतनी चीज क्लियर है? अब देखिए तो अगर हम बात करें तो ग्रुप थर्ड और ग्रुप फोर, ग्रुप फिफ्थ, इन सब मटेरियल से आपको क्या पता चलता है कि ग्रुप फोर में जो भी मटेरियल हमारे पास होते हैं उनको हम यूज करते हैं एज ए सेमी कंडक्टर। तो ग्रुप फोर में हमारे पास कौन कौन से? कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, SN है, PB है, ठीक है। बेसिकली SN जो PB है ये लेड होता है, ठीक है। तो ग्रुप फोर को हम यूज करते हैं कैसे? सेमी कंडक्टर की तरह यूज करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो जिसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 3 है ये कैसे यूज होते हैं? तो ये यूज होते हैं एज ए कंडक्टर। कैसे यूज होते हैं? एज ए कंडक्टर। और ग्रुप फाइव में जो है ये यूज होते हैं एज ए इंसुलेटर, एज ए इंसुलेटर। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि किसको हम कंडक्टर की तरह यूज करते हैं, किसको सेमी कंडक्टर की तरह, किसको इंसुलेटर की तरह। तो ग्रुप थर्ड वाले जो हैं वो क्या हैं? वो सारे के सारे सेमी कंडक्टर हैं। अब 5 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं लेकिन आपने इसमें सबसे ज्यादा ना आप सिलिकॉन पढ़ते हो, जर्मेनियम पढ़ते हो, कार्बन नहीं पढ़ते हो, SN नहीं पढ़ते हो, PB नहीं पढ़ते हो। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्यों हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को पढ़ते हैं? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। तो अगर हम बात करें कि जो SN है और PB है ये अवेलेबल बहुत कम है, यानी इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही मिनिमम है, इसलिए इसको हम यूज नहीं करते हैं। अगर यूज भी करेंगे तो ये बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएगा क्योंकि बहुत कम अवेलेबल है। अगर अवेलेबल बहुत कम है तो फिर इसका यूज क्या होगा? बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। कार्बन, अब बात करें अगर कार्बन की, तो कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा अवेलेबल है लेकिन फिर भी आप देखोगे कि हम कार्बन को एज ए सेमी कंडक्टर यूज नहीं करते। क्या रीजन हो सकता है? जबकि कार्बन अवेलेबल भी सबसे ज्यादा है तो फिर भी हम इसको यूज नहीं करते एज ए सेमी कंडक्टर, क्यों? रीजन क्या होता है? ठीक है, तो इसका सबसे मतलब बेस्ट रीजन ये है कि हम इसको ना यूज करते हैं, इसका कारण है एनर्जी गैप।
एनर्जी गैप का मतलब कि कंडक्शन बैंड और कंडक्शन बैंड की बात करें और वैलेंसी बैंड, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी गैप होता है। तो इसमें जो कार्बन का एनर्जी गैप है ना, वो 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसके कारण से हम इसका यूज नहीं करते एज ए सेमी कंडक्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनर्जी गैप क्या करता है, एनर्जी गैप वह बैंड, मतलब एनर्जी गैप वह स्पेस होता है जहां से वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में जाते हैं। ठीक है, एनर्जी गैप का मतलब कि उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए हमारे पास वो चीज होना चाहिए। तो एनर्जी गैप जो है बेसिकली कार्बन का ज्यादा होता है, इसलिए हम कार्बन का भी इस्तेमाल नहीं करते। जैसे अब देखिए, जैसे एक मतलब कि बैंड एनर्जी गैप आपका बनाया गया है कार्बन के लिए है ये, तो कार्बन के लिए देखिए, जैसे ये आपका कंडक्शन बैंड, सॉरी ये वैलेंसी बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है, जो कि ये नाम दिया गया है। और कंडक्शन बैंड को हम क्या लिखते हैं, ईसी लिखते हैं, और इसको हमने ईवी नाम दे दिया। ठीक है, तो जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप बेसिकली कंडक्शन बैंड का जो वोल्टेज है उससे वैलेंसी बैंड को माइनस कर देंगे तो आपका एनर्जी गैप निकल के आ जाएगा, और इसका एनर्जी गैप जो निकल के आएगा वो 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। एनर्जी गैप की जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी और ध्यान से समझिए कि एनर्जी गैप क्या है। इसका हाई हो गया, चलिए कोई बात नहीं, एनर्जी गैप हाई है। तो एनर्जी गैप जो होता है, एनर्जी गैप एंटी प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी के। ध्यान से सुनना कि एनर्जी गैप एंटी प्रोपोर्शनल है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी गैप के। इसका मतलब है कि अगर एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, मिनिमम होगी। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी मिनिमम होगी। इसका मतलब है कि कार्बन की जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, मिनिमम, क्योंकि इसका एनर्जी गैप ज्यादा होता है। ध्यान से सुनना, कार्बन का एनर्जी गैप ज्यादा है इसलिए इसकी कंडक्टिविटी मिनिमम है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर है इतनी चीज। चलिए अगर बात करें एनर्जी गैप की, तो एनर्जी गैप वो है कि बैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है, वो आपका एनर्जी गैप से हम इसको शो करते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब आपके पास आता है कि जर्मेनियम हम यूज करते हैं और सिलिकॉन यूज करते हैं, तो इनके बीच में एनर्जी गैप कितना होता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से भी, और भी कुछ फैक्ट्स आपको समझ में आएंगे क्यों ऐसा होता है। देखिए जैसे आपको ये फिगर दिख रहा होगा एनर्जी गैप वैलेंसी बैंड का और इसका, जैसे देखिए ये जर्मेनियम का बनाया गया है एनर्जी बैंड गैप, ये सिलिकॉन का बनाया हुआ है। तो जर्मेनियम में जो एनर्जी गैप आपको दिख रहा है वो 0.72 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका मतलब है कि अगर ध्यान से समझे, एट ए नॉर्मल टेम्परेचर ये है, तो जो सिलिकॉन की कंडक्टिविटी है, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, जो एनर्जी गैप है वो सिलिकॉन का ज्यादा है जर्मेनियम से। ध्यान से सुनना, सिलिकॉन का एनर्जी गैप जर्मेनियम से ज्यादा है, ये आपको दिख रहा है इसमें 1.1 है और यहाँ पे 0.72 है। ठीक है, तो फिर उस कंडीशन से अगर देखें तो जो कंडक्टिविटी होती है वो एंटी प्रोपोर्शनल होती है। तो एंटी प्रोपोर्शनल होती है, तो सिलिकॉन का अगर एनर्जी गैप ज्यादा है तो सिलिकॉन का जो कंडक्टिविटी होगी वो लो होगी। क्लियर है ना, ये चीज पहले मैंने बात कर लिया। तो इस सिलिकॉन की कंडक्टिविटी क्या है, जर्मेनियम से कम है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो सिलिकॉन को यूज करते हैं, जबकि सिलिकॉन की कंडक्टिविटी जो है वो लो है जर्मेनियम से। तो क्या कारण है कि सिलिकॉन को हम यूज करते हैं जर्मेनियम को यूज नहीं करते हैं, कारण भी तो पता होना चाहिए ना कि हम सिलिकॉन को यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज करते हैं और जर्मेनियम को नहीं यूज कर रहे हैं ज्यादा, तो उसका क्या रीजन है। तो रीजन आपके सामने है, कुछ पैरामीटर हम आपको दे देते हैं, देख लीजिए आप, इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हम क्यों सिलिकॉन को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो पैरामीटर आपके पास है कि जैसे ये जर्मेनियम है, ये मान लीजिए सिलिकॉन है, तो थर्मल रेटिंग की अगर बात करें तो जर्मेनियम की थर्मल रेटिंग 100°C होती है, जबकि सिलिकॉन की 200°C होती है। वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो इसकी लो होती है और इसकी हाई होती है। पावर की बात करें तो पावर रेटिंग भी, जब वोल्टेज की रेटिंग लो है तो इसकी भी रेटिंग क्या होगी, लो होगी, और सिलिकॉन की रेटिंग क्या होगी, हाई होगी। अवेलेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अवेलेबिलिटी जो जर्मेनियम है वो मीडियम है और जो सिलिकॉन है वो हाई है, कहने का मतलब कि सिलिकॉन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, और अवेलेबिलिटी जो जर्मेनियम की है वो मतलब सिलिकॉन से कम है, जिसके कारण से हम सबसे ज्यादा प्रीफर कौन सा करते हैं, सिलिकॉन को प्रीफर करते हैं, और सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं कौन सा, सिलिकॉन को। क्लियर है इतनी चीज। चलिए
अब यहां से तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई कि सारे के सारे पैरामीटर आपके क्लियर हो गए कि हम क्यों यूज करते हैं, कौन सा क्यों यूज करते हैं, किसको क्यों नहीं यूज करते हैं, और सारे के सारे मतलब एलिमेंट के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। तो अब देखिए हम बात करते हैं कि हमारा जो बेसिकली हमने बात किया था कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो दो तरह का है, पी टाइप का और एन टाइप का, ठीक है। पी टाइप को पॉजिटिव टाइप कहते हैं, एन टाइप को हम निगेटिव टाइप कहते हैं। इंटेंसिक प्लस जब हम बनाना होगा पी टाइप तो इंटेंसिक होगा प्लस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे, और एन टाइप बनाना होगा तो इंटेंसिक होगा प्लस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे, जो कि फिफ्थ ग्रुप में होगा, और जो पी टाइप वाला होगा वो थर्ड ग्रुप में हमारा होगा। कहने का मतलब है कि ध्यान से आप समझो, कहने का मतलब है कि जैसे कोई सेमीकंडक्टर है, इसकी कंडक्टिविटी आपको बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे कि इस ग्रुप से कोई ना कोई एलिमेंट को इसमें मिला देंगे, यानी कि इस फोर्थ ग्रुप में यहां से उठा के कुछ ना कुछ मिला देंगे। तो मिला देने से उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वो कैसा बन जाएगा, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। या फिर हम ये कर सकते हैं कि मतलब कि यहां से उठा के, जैसे कि नॉर्मली इससे उठा के नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक कोई भी उठा के डाल देंगे, ग्रुप फोर्थ में मिला देंगे, जिससे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और एन टाइप सेमीकंडक्टर आपका बन जाएगा। तो बनाने के लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और उसे बनाने के लिए हम लोग थर्ड ग्रुप से मिलाते हैं और फिफ्थ ग्रुप से मिलाते हैं। इतनी चीज क्लियर है। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर आपको बनाना हुआ तो आप कैसे बनाओगे। जैसे ये पी टाइप है, पी टाइप बनाने के लिए जैसे ये गैलियम है, मैंने मान लो गैलियम ले लिया है, तो गैलियम ले लेने से इस गैलियम में तीन इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही होंगे, क्योंकि ये गैलियम क्या है, एक सेमीकंडक्टर है, तो तीन इलेक्ट्रॉन्स पहले ही होंगे। और ठीक है, सॉरी गैलियम हमने मिला दिया, तो गैलियम ये थर्ड ग्रुप का मिलाया हमने, ठीक है, और ये सिलिकॉन इसके चारों तरफ प्रेजेंट है, जो कि एक सेमीकंडक्टर है, क्लियर। और ये गैलियम जो है ये क्या है, ये एक कंडक्टर है, और इसके आउटर कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए ये सिलिकॉन के हर एक इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बना रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, हर एक इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बना रहा है। तो इस पेयर से आपको ये पता चल रहा है कि एक कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन रहा है, कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन गैलियम के पास सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन थे, तो एक सिलिकॉन जो यहाँ पे आपने रखा है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, तो इसको हमने नाम दे दिया इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी यहाँ पे कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड आपका फॉर्म नहीं हो रहा है। और इस जो ये इलेक्ट्रॉन मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने नाम दे दिया, क्योंकि इस गैलियम के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हमने नाम दे दिया होल्स का। क्या नाम दे दिया, होल, ठीक है। तो अब इसको पूर्ण करने के लिए, ये तो निगेटिव आयन है, इसको सॉरी ये तो इसको हमने नाम दे दिया होल्स, तो इसको कंप्लीट करने के लिए एक निगेटिव आयन की इसको नीड पड़ेगी, इसको कंप्लीट करने के लिए इसको निगेटिव आयन्स की नीड पड़ेगी, तो एक निगेटिव आयन्स हमने दे दिया। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने एक गैलियम मिलाया, ठीक है, किसी भी मटेरियल में, किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में आपने ग्रुप थर्ड से मान लो गैलियम को एक अनुपात में मिलाया, तो वहां पे क्या जनरेट होगा, एक होल जनरेट होगा और एक निगेटिव आयन जनरेट होगा, ठीक है, एक होल जनरेट होगा और एक निगेटिव आयन जनरेट होगा। अगर आपने 100 गैलियम मिलाया तो 100 गैलियम मिलाने से, सॉरी 1000 गैलियम मिलाया तो 1000 गैलियम मिलाने से आपका 1000 होल जनरेट होगा प्लस 1000 निगेटिव आयन जनरेट होंगे, ठीक है। और इन निगेटिव आयन्स को हम क्या बोलते हैं, ई मोबाइल आयन्स, यानी ये मतलब कि चलते नहीं है, ये कैसे होंगे, ई मोबाइल आयन होंगे जो निगेटिव आयन बनेंगे। और ये जो 100 मतलब 1000 होल होंगे क्या होंगे, पॉजिटिव मोबाइल चार्ज कैरियर होंगे, ये क्या होंगे, पॉजिटिव मोबाइल चार्ज कैरियर नाम दिया जाएगा, जो कि करंट को फ्लो करवाने में इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि ई मोबाइल साइन क्या होते हैं और इनका क्या मतलब काम होता है, बट आप अभी इतना जानते रहो कि जब भी हम गैलियम मिलाएंगे तो वहां पे 1000 मान लो 1000 गैलियम मिला रहे हैं तो 1000 होल होंगे और 1000 ही ई मोबाइल्स आयन होंगे। अच्छा, इससे एक चीज क्लियर हो गई कि जितने होल्स बन रहे हैं उतने ही आपके पास ई मोबाइल्स आयन यानी निगेटिव आयन बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर एक मटेरियल के लिए जैसे पी टाइप है बात की जाए, तो पी टाइप का मतलब क्या है कि जितने होल्स हैं उतने क्या हैं, निगेटिव आयन्स हैं। तो इसका मतलब है कि पी टाइप मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पी टाइप या एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो क्या होता है इलेक्ट्रिकली, तो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि जितने होल्स हों उतने इलेक्ट्रॉन्स हों, तो जितने होल्स आपके क्रिएट हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ आयन्स क्रिएट हो रहे हैं उस पार्टिकुलर सेमीकंडक्टर में। तो इसलिए पी टाइप को हम हमेशा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। और रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, तो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा पी टाइप में, तो इंपॉर्टेंट है याद रखना होल्स, क्या होगा, होल्स, क्लियर है।
करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? होल्स होगा रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। अब देखिए एक्सेप्टर का मतलब क्या है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन था, इसको जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बॉन्ड बनाने के लिए इसको नीड है, इसको जरूरत है, तो इसका मतलब ये कि ये ग्रहण करेगा, ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा, इसलिए इसको पी टाइप को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं। पी टाइप को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं। क्लियर है इतनी चीज। चलिए उसके बाद मेजोरिटी कैरियर जो होता है वो होल्स होता है, और जो माइनॉरिटी कैरियर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एक पार्टिकुलर पी टाइप कंडक्टर मतलब सेमीकंडक्टर में जो मेजोरिटी यानी जो ज्यादा मात्रा में होगा वो क्या होगा, होल्स होगा, और जो माइनॉरिटी कैरियर जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है इतनी चीज। चलिए अगर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को आपको बनाना हो एज ए कैसे बनता है, तो ये जैसे देखिए ये आप बना दिए पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, ये आपके होल्स हैं, ये क्या है, ये होल्स हैं, और ये जो माइनस दिखाया है ये माइनस आपके क्या है, निगेटिव आयंस है जो कि आपने एक्सेप्ट किया है, जो आपने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, ये क्या है, निगेटिव आयंस आपके हैं। क्लियर है इतनी चीज। चलिए तो पी टाइप के रिलेटेड जितने भी बात थी उसमें हमने कर लिया। पी टाइप में मुझे नहीं लगता कि और कुछ भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एन टाइप की। तो देखिए एन टाइप में हम क्या करते हैं, जैसे सिलिकॉन तो आपका प्रेजेंट होगा, उसमें हम क्या बनाएंगे, कोई फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट डालेंगे। फिफ्थ ग्रुप में चलो मैंने आर्सेनिक मिला दिया, आर्सेनिक क्या मिला दिया, आर्सेनिक मिला दिया। आर्सेनिक मिलाने से देखिए आपके पास कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड कितने बन गए, चार बन गए, लेकिन आर्सेनिक पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पांच। तो ये पांच इलेक्ट्रॉन में एक आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा ये किसी ना किसी से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, किसी ना किसी को देगा। तो ये क्या है कि जो पी टाइप था वहां पे आप इलेक्ट्रॉन ले रहे थे कंप्लीट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए किसी ना किसी को आप दोगे। तो जब किसी ना किसी को आप दोगे तो ये कैसा काम करेगा, एक डोनर आयन की तरह काम करेगा, जो कि क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये तो निगेटिव ही होगा। क्लियर है, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, निगेटिव होगा, लेकिन अगर हम किसी को डोनेट करेंगे तो ये कैसा शो करेगा, पॉजिटिव की तरह शो करेगा। तो इसको हम नाम देते हैं पॉजिटिव आयन, ठीक है। आयंस की अगर बात करेंगे पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन है आपके पास तो आपके पास मेजोरिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी। अब देखिए ध्यान से ये क्या करते हैं, ये इसको हम डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को। अगर एक आर्सेनिक है तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन होगा प्लस एक डोनर आयन आपके पास बनेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक डोनर आयन बनेगा। और अगर हम बात करें कि अगर 1000 आर्सेनिक होगा तो 1000 इलेक्ट्रॉन होगा और प्लस 1000 ही क्या होगा, 1000 ही आपके पास डोनर आयन होगा, जो कि ये क्या है, ये पॉजिटिव ई मोबाइल साइन है, जो ये डोनर दिखाया गया ये पॉजिटिव ई मोबाइल साइन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, निगेटिव चार्ज कैरियर, यानी ये मोबाइल निगेटिव चार्ज कैरियर है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है करंट को फ्लो करवाने के लिए, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन ये डेवलप हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन आपके पास बचा है, ये काम क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होगा करंट को फ्लो करवाने के लिए। सेम कंसेप्ट यहाँ भी है कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही आपके पास पॉजिटिव इमोबाइल साइन है। तो इसका मतलब है कि एक पार्टिकुलर एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। एक पार्टिकुलर एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा और रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। तो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप में जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और इसको हम बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। डोनर हमने क्यों बोला, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बचा था हमारे पास इसको हम किसी न किसी को देंगे। तो जब किसी न किसी को देंगे तो ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। डोनेट करने का मतलब इसको हमने नाम दे दिया डोनर इम्प्योरिटी। अब देखिए अब ये जो ई मोबाइल साइन थे, ई मोबाइल साइन के कारण होता क्या है, ई मोबाइल साइन के कारण होता क्या है, तो इम्पोर्टेंट है इसको नोट की देखिए कि नोट है कि डिप्लीशन लेयर फॉर्म ड्यू टू ई मोबाइल साइन। तो ई मोबाइल साइन के कारण क्या होता है, डिप्लीशन लेयर आपकी फॉर्म होती है। डिप्लीशन लेयर किसके कारण फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है डिप्लीशन लेयर जो हमारी फॉर्म होती है वो किसके कारण होती है, ई मोबाइल्स आयन के कारण फॉर्म होती है। अब देखिए ड्यू टू पोटेंशियल डिप्लीशन विड्थ, जो डिप्लीशन विड्थ आपकी बनती है ये डेवलप करती है पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर डेवलप करने के लिए क्या चाहिए आपको, आई मोबाइल्स मतलब ई मोबाइल्स आयन चाहिए, जो कि डिप्लीशन लेयर को फॉर्म करेंगे। डिप्लीशन लेयर आपका पोटेंशियल बैरियर को डेवलप करेगी। अब ये पोटेंशियल बैरियर अपोज द फ्लो ऑफ करंट एन टू पी या पी टू एन। तो कहने का मतलब है कि जो पोटेंशियल बैरियर है ये क्या करता है, ये करंट को फ्लो होने से अपोज करता है कि आप
यन मतलब कि यन से पी की तरफ फ्लो करवाओगे कि पी से यन की तरफ फ्लो करवाओगे जब हम पीएन जंक्शन पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं पीएन जंक्शन की भी, ठीक है, पीएन जंक्शन की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए जैसे पीएन जंक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे ये मान लीजिए एक मटेरियल हमने ले लिया। अच्छा थोड़ी सी एक चीज इसमें रह गई कि जैसे आपको यन टाइप बना यन टाइप बनाना है तो यन टाइप बनाने के लिए ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन है और उसमें ये पॉजिटिव आयन आपके होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव आयन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव आयन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव आयन, ये इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव आयन। तो ऐसे करके ना आप बना सकते हो यन टाइप सेमीकंडक्टर। एक जो मतलब अगर आपको रियल में बनाना है कि यन टाइप कैसे बनता है तो यही फिगर आपका सही होगा, जैसे कि ये पी टाइप में था, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है इस चीज को आप देखते रहो। चलो अगर हम बात करें पीएन जंक्शन हमें फॉर्म करना है तो पीएन जंक्शन अगर हमें फॉर्म करना है तो जैसे ये मान लीजिए ये पी टाइप है और ये हमने ले लिया एन टाइप, इनको हमने मिला दिया, ठीक है। इनको जब मिलाया तो हमारे पास पीएन जंक्शन बन गया। तो पीएन जंक्शन अभी हम बस सिर्फ थोड़ी सी बात कर रहे हैं, बस इस चीज को समझिए कि पीएन ये पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। पीएन जंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पूरा डिटेल में, लेकिन बस आप यहाँ पे छोटी छोटी चीजें जान जाओ इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये है आपका होल्स और ये निगेटिव आंस, ये होल्स है निगेटिव आंस, ये होल्स है ये निगेटिव आंस है। तो ये जो आपने ये बैरियर बनाया है पी टाइप में ये क्या है निगेटिव आयंस हमने बना दिया, क्या बना दिया निगेटिव आयंस, जिसको कि इमोबाइल साइन कहते हैं। और यही इमोबाइल साइन क्या डेवलप करते हैं पोटेंशियल बैरियर डेवलप करते हैं। तो ये पी टाइप मटेरियल के लिए हो गया। एन टाइप मटेरियल में आपके पास क्या होता है पॉजिटिव आयंस, तो पॉजिटिव आयंस को हमने बना दिया और ये फिगर हमने बना दिया एन टाइप का, ठीक है। तो अगर बात करें तो ये टोटल विड्थ मान लेते हैं, डिप्लीशन विड्थ हमारी मान लो डब्ल्यू है और ये हमारी जो पी टाइप की साइड है वो डब्ल्यू पी है और जो एन साइड है वो डब्ल्यू एन है। तो जो W यानी टोटल डिप्लीशन विड्थ होती है वो होती है डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू एन, यानी कि जो P टाइप का विड्थ है और N टाइप की विड्थ है दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल विड्थ मिल जाएगी। ये तो क्लियर है। अगर बात करें कि एक इंपॉर्टेंट होता है कि चार्ज ऑफ न्यूट्रलिटी इक्वेशन अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे, चार्ज ऑफ न्यूट्रलिटी इक्वेशन अगर आपको पता है तो क्या होता है। तो चार्ज ऑफ न्यूट्रलिटी इक्वेशन जो होता है वो NA इंटू डब्ल्यू पी बराबर एन डी इंटू डब्ल्यू एन होता है। इसका मतलब क्या है, यानी क्या है, ये एक्सेप्टर इन पी साइड, यानी जो एक्सेप्टर्स आयंस हैं वो पी साइड में और जो एनडी मतलब डोनर आयन है एन साइड में, ये जो एनडी लिखा हुआ है डोनर आयन है एन साइड में और डब्ल्यू एन क्या है ये तो विड्थ है एन साइड की और डब्ल्यू पी क्या है ये विड्थ है पी साइड की, ठीक है। अगर हम बात करें एक कंडीशन अगर आप बताओ कि जब एन ए बराबर होगा एनडी के, एक कंडीशन मैंने मान लिया कि एन ए एनडी के बराबर है तब डब्ल्यू पी बराबर होगा डब्ल्यू एन के, डब्ल्यू पी बराबर होगा डब्ल्यू एन के। तो इसका मतलब है कि दोनों साइड पे जो ये विड्थ बनेगी ना, जैसे ये तो मान लो बीच में बैरियर है तो ये विड्थ दोनों साइड की क्या होगी सेम होगी, दोनों साइड की विड्थ क्या होगी सेम होगी, यानी अगर इसमें इतनी डिस्टेंस है तो इधर भी उतनी ही डिस्टेंस होगी जब हमारे पास एन ए और एन डी यानी कि एक्सेप्टर आयंस और डोनर आयंस दोनों बराबर होंगे तब, ठीक है। लेकिन अगर एक कंडीशन ऐसी हो कि एन ए हमारे ज्यादा है एन डी हमारा कम है, ठीक है, कंडीशन क्या है एन ए ज्यादा है एन डी कम है, तो डब्ल्यू पी बराबर अगर ध्यान से इस इक्वेशन में देखें तो एन डी डब्ल्यू एन बटे एन ए। तो इस कंडीशन से एन ए क्या है हमारा ज्यादा है, अगर एन ए ज्यादा है तो ये ज्यादा हो गया, ठीक है, एन ए ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि डब्ल्यू पी क्या होगा लेस होगा, डब्ल्यू पी क्या होगा लेस, अगर डब्ल्यू पी लेस होगा तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट और है कि जो डोपिंग हम ये जो एन ए और एन डी ये पढ़ रहे हैं क्या बेसिकली डोपिंग के कारण हुआ है, तो डोपिंग जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिप्लीशन विड्थ के, किसके डिप्लीशन विड्थ के। इसका मतलब है कि अगर डब्ल्यू पी हमारा क्या है कम है, डब्ल्यू पी हमारा क्या है कम है, तो इसका मतलब है कि उसकी डोपिंग ज्यादा है, उसकी डोपिंग ज्यादा है तो इसका मतलब है डिप्लीशन विड्थ हमारी क्या होगी कम बनेगी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान समझना, क्या मैं बोला ये कि अगर इधर इम्प्योरिटी आपने ज्यादा मिलाया है तो इसकी जो विड्थ बनेगी ना ये विड्थ इसकी कम होगी, और अगर आपने इम्प्योरिटी इधर कम की है ना तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। तो जिस साइड की इम्प्योरिटी ज्यादा होती है, जिस साइड की डोपिंग क्या होती है ज्यादा होती है उसकी डिप्लीशन विड्थ कम होती है, और जिस साइड की डोपिंग कम होती है उसकी डिप्लीशन विड्थ क्या होती है ज्यादा होती है। इससे आपको यही चीज पता चली। तो इम्प्योरिटी का जो डोपिंग हम करते हैं उससे आपका जो पोटेंशियल बैरियर यानी जो डिप्लीशन विड्थ बनती है वो डोपिंग के ऊपर डिपेंड करती है, और जिस टाइप जैसे पी टाइप में या एन टाइप में जिस साइड भी आप डोपिंग क्या करोगे ज्यादा करोगे उस साइड में आपकी
आपकी डोपिंग ज्यादा है तो विड्थ कम होगी, डोपिंग कम है तो विड्थ ज्यादा होगी, उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको एक पीएन जंक्शन पर पूरा वीडियो मिलेगा जो कि इम्पोर्टेंट होगा, हर एक पॉइंट से रिलेटेड रहेगा, सब चीज आप पूरा डिटेल करोगे। एक दो वीडियो आपको एक दो दिन बाद, तीन दिन बाद, चाहे जब भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। ओके, थैंक यू।